पिछले 4 साल में मैंने 6 ट्राइपॉड लिए थे क्योंकि मैंने एक अच्छा खासा स्टेबल ट्राइपॉड पे इन्वेस्ट नहीं किया था। पिछले 4 साल में मैंने स्टूडियो टूर पे भी बात किया होगा, 6 बार 590 VD Pro Plus Digitech का 590 VD Pro Plus ट्राइपॉड लिया था। काफी सही क्वालिटी था, अच्छा काम करता था, बट डे टू डे लाइफ में मैं रोज वीडियो बनाता हूँ तो वो जल्दी खराब हो जाता था एंड मेरे को स्विच करना पड़ता था। मैंने कहा कि एक बार इन्वेस्ट कर लेते हैं अच्छा खासा अमाउंट, एंड ये ट्राइपॉड मैंने लिया Digitech 605 VD Pro Plus ट्राइपॉड। और इसका खासियत ये है कि 6,000-7,000 के बजट है आपका और आपको एक फ्लूइड हेड वाला ट्राइपॉड चाहिए अच्छा खासा क्वालिटी के साथ एंड लॉन्ग लास्टिंग, तो दिस इज द वे टू गो, या फिर ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। वीडियो को शुरू करते हैं, एक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू टाइप देने वाला हूं क्योंकि पिछले 20 दिन से मैं इसे एज अ प्राइमरी ट्राइपॉड यूज कर रहा हूं। वीडियो को शुरू करते हैं। इसका बॉक्स पैकेज तो मैंने फेंक दिया, बट ये जो पैडेड बैगेज है इसे मैंने संभाल के रखा है एंड मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसे अच्छे तरीके से संभाल के रखो क्योंकि इसमें जो प्रोटेक्शन मिल जाता है ना, नेक्स्ट लेवल है, पैडिंग नेक्स्ट लेवल मिल जाता है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस प्राइस रेंज में इतना अच्छा हाई क्वालिटी पैकेज मिलेगा। ऑफकोर्स थोड़ा सा थ्रेडिंग वगैरह इधर से उधर निकला हुआ है, बट अगर आपको इसे ट्रैवल पे ले जाना है, मेरे को नहीं लगता कि कोई इसे ट्रैवल पे ले जाएगा, बट स्टूडियो टू स्टूडियो वगैरह ले जाना है तो ऐसे सिनेरियो में इट विल प्रोवाइड अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन एंड आई हाईली सजेस्ट कि इस बैग को संभाल के रखो। फिर बॉक्स में मिल जाता है आपका मेन ट्राइपॉड, ऑफकोर्स काफ़ी भारी है, इसका जो नेट वेट है इट इज़ अराउंड 5 kg, इट इज़ वेरी हैवी, एट द सेम टाइम हैवी है इसी वजह से इतना स्टर्डी है। फिर बॉक्स में आता है एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल, चाइनीज पे भी है इंग्लिश पे भी है, और इसमें ना इस ट्राइपॉड में जो भी जॉइंट्स हैं और उसे कैसे ऑपरेट करना है, कौन से एलन की से टाइट होगा, ये सब दिया गया है। यस, बॉक्स में 2 एलन कीज भी मिल जाता है क्योंकि जो जॉइंट्स है ना कभी कभी ट्रैवल के साथ लूज हो जाता है, डे टू डे लाइफ में डेली यूज कर रहे हो लूज हो जाता है, इन सबको टाइट करने के लिए 2 एलन की मिल जाता है, उनमें सजेस्ट करूंगा इसे संभाल के रखना। बैग में एक छोटा सा कंपार्टमेंट भी मिल जाता है जहां पे आप अपने इंस्ट्रक्शन मैनुअल और एलन की को अच्छे तरीके से संभाल के रख सकते हैं। फिर आता है एक शोल्डर स्ट्रैप, शोल्डर स्ट्रैप अगर आपको लगता है कि इसे आप कैरी कर सकते हो इजीली कंफर्टेबली तो शोल्डर स्ट्रैप भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद फाइनली आता है एक हैंडल जो मल्टीपर्पज़ है, राइट पे भी लग जाता है, लेफ्ट पे भी लग जाता है, आप अपने ट्राइपॉड पे अपने हिसाब से लगा सकते हो। इस ट्राइपॉड को फोल्डेड हाइट है 2.9 फीट, जो अभी फोल्ड कर रखें तो 2.9 फीट इसका फोल्डेड हाइट है, और इसमें 2-स्टेप क्लैंप सिस्टम मिल जाता है। तो पहला क्लैंप तो आपको ऐसा मिल जाता है यहाँ पे, और इसका क्वालिटी काफ़ी सही है, मतलब स्टर्डी है, एट द सेम टाइम क्या बताऊँ, मतलब ऐसा लगता है कि इट इज़ रिजिड और इट विल लास्ट। यहाँ पे भी मैं इसे निकाल देता हूँ, काफ़ी इंडस्ट्रियल फील आता है इसे जब मैं अनक्लैंप वगैरह करता हूँ। तो अभी से आप देख सकते हैं माई हाइट इज़ अराउंड 5'8" और अभी से अराउंड नहीं 5'8" है, और अभी से इट इज़ मेरे जो वर्किंग हाइट है उस हिसाब से, अगर आपको इसे और बड़ा करना है, इसका जो टोटल हाइट है ना इट इज़ 6 फीट। मेरे को नहीं लगता कि इस स्टूडियो पे मैं कर पाऊंगा, बट एनीवे आई विल शो यू, ये सीलिंग ऑलमोस्ट सीलिंग को टच कर रहा है। तो या, और इस हाइट पे भी मैंने टेस्ट करके देखा था, चाहे तुम ऊपर से जितना भी प्रेस कर लो नीचे कुछ भी नहीं होगा, तो इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज वेरी स्टेबल। ऊपर वाले क्लैंप में ब्लू एक्सेंट से क्लिप्स मिल जाता है, या लॉक जो आपको कहना है वो मिल जाता है, एंड जो टोटल कंस्ट्रक्शन है वो प्लास्टिक का है, तुम कहीं पे भी लॉक करो इट विल स्टे देयर, स्टे पुट, किसी भी तरीके का मूवमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा, एंड जो क्वालिटी है वो भी सही है, प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन है बट जो ब्लू एक्सेंट्स एंड क्वालिटी दैट इज टॉप नॉच। नीचे का मैकेनिज्म भी एक क्लैंप मैकेनिज्म है और ब्लू कलर का एक्सेंट्स मिल जाता है, एंड अगर इसके क्वालिटी के बारे में बात करूं, मेरे को ऐसा लगा कि उतना कॉन्फिडेंट इंस्पायरिंग नहीं है जितना ऊपर का मैकेनिज्म था, मतलब ऐसा लगेगा कि इट इज़ वीक या फिर लूज हो सकता है, बट एनीवे इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, किसी भी तरीके का इशू नहीं हुआ मेरे को अभी तक, बट वो जो कॉन्फिडेंस या फिर वो जो क्वालिटी है ना वो मेरे को नीचे वाले क्लैंप में हल्का सा कम लगा अगर ऊपर वाले क्लैंप के बारे में कंपेयर करूँ तो। अगर आपके एक्सपीरियंस में ट्राइपॉड का लेग हल्का सा लूज लगता है तो जो एलन कीज प्रोवाइडेड है उससे आप इसे टाइटन या लूजन कर सकते हैं आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। मेरे को नहीं लगता है कि कोई लूज करेगा, बट अगर आपको टाइटन करना है तो यहाँ पे मैकेनिज्म मिल जाता है लेग्स को टाइट करने के लिए, सेम तीनों लेग्स पे और सेम ऊपर वाले लेग्स पे भी आपको मिल जाएगा। स्मार्टफोन्स एंड DSLR माउंट करने के लिए एक यूनिवर्सल बेस प्लेट देखने को मिल जाता है, उसके ऊपर 2 नट होगा, मैंने जो नट चाहिए था अपने DSLR के लिए वो मैंने यहाँ पे लगा रखा है। अगर आपको ये वाला नट निकालना है तो यही पे आपको मैकेनिज्म मिल जाता है, आपने ये निकाला, ये क्या, ये सब बाहर, एंड इजीली हो जाता है। जब आपको इसे माउंट करना है तो ऐसे मैकेनिज्म, यू जस्ट हैव टू स्लाइड इट इनसाइड, एंड यही पे एरोज वगैरह दिया गया विच विल मेक थिंग्स वेरी इजियर। मैंने भी एक मार्कर से एरो बना रखा था कि और इजी हो जाए, एंड जैसे आपने कैमरा लगा दिया ये स्लिप नहीं होगा, नीचे से नहीं गिरेगा, क्योंकि देयर इज अनदर लॉकिंग मैकेनिज्म जैसे आप देख सकते हैं, तो इसे यहाँ पे टाइट कर देता है। उसके बाद DSLR लॉक करने के लिए ये वाला क्लैंप को आपको टाइट करना है, एंड दैट्स इट, सुपर स्टेडी लॉक। इसके साथ जो आर्म्स मिलते हैं इसे दोनों साइड लगा सकते हैं, एक ही आर्म है बट अगर आपको यहाँ पे लगाना है यू जस्ट हैव टू प्लेस इट हियर, एंड आपके जो डायरेक्शन है उस पे लॉक करके आपको ये क्लैंप
बस एक बार टाइट कर देना एंड दैट्स इट। अब ये आर्म्स कंट्रोल कर सकते हो, अगर आपको लेफ्ट साइड पे चाहिए तो यहाँ पे, अगर आपको राइट साइड पे चाहिए यहाँ पे, एंड इट इज़ वेरी वर्सेटाइल। अगर आपको कुछ इस साइड से चाहिए तो यहाँ पे लॉक कर देना, इस साइड से चाहिए यहाँ पे लॉक कर देना, एंड इट विल स्टे पुट बिल्कुल ईजीली। जिस तरीके से आपको पैन करना है वो आप कर सकते हो। पैन एक्सेस लॉक या लूज करने के लिए आपको बटन यहाँ पे मिल जाता है। ये मेरे को थोड़ा सा कंबरसम लगा, मतलब जो जगह है ना वो हल्का सा कम है, इस वजह से अगर आपको लॉक करना है इस साइड पे आके लॉक करना पड़ेगा या फिर लूज करना है ऐसा करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस या फिर हाइट हो सकता तो बेटर होता। बट अगर आपको लॉक करना है यू जस्ट हैव टू लॉक इट देयर एंड अब ये जो है पैन आपका नहीं होगा। अगर आपको इसे स्मूदन करना है, लूज करना है, ये वाला जो नॉब है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जो टिल्ट एक्सेस है उसे लूज़ करना है, टाइट करना है या फिर किसी एंगल पे उसे स्टेडी रखना है तो यहाँ पे नॉब मिल जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया लॉक, इट इज़ स्टेडी। जैसे मैं इसे लूज़ करता हूँ इट इज़ वेरी टाइट, बट या इट विल बी बैक टू इट्स पोजिशन। एंड ये जो मैकेनिज्म है जिसमें ये थोड़ा सा जिस एंगल पे छोड़ेंगे अपने नॉर्मल रेजिटिंग पोजिशन पे आता है, दैट इज़ वेरी यूजफुल वीडियोज़ वगैरह बनाते वक्त, यू कैन गेट सम स्मूथ टिल्ट शॉट्स। एंड फाइनली पूरे बॉल हेड का ही डायरेक्शन अगर आपको चेंज करना है वो भी आप कर सकते हैं। नीचे आपको एक नॉब मिल जाएगा एंड लॉक करना है लॉक कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है किसी भी डायरेक्शन में, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में आपको चाहिए वो भी आप कर सकते हैं। एंड फाइनली जो बबल हेड इंडिकेटर आपको मिल जाता है जो कि इस साइड पर, उसे देख के एक अच्छा खासा स्टेबल पोजिशन पे अगेन लॉक कर सकते हैं। यही थे फीचर्स Digitech 605 VD Pro Plus ट्राइपॉड का। और इसी रेंज में ना आपको Digitech 610 आता है, 620 आता है। एंड मैंने नोटिस किया कि हाइट के अलावा किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा वेट ज़्यादा हैंडल कर लेगा, बट इट ऑलरेडी हैंडल्स 20 kg, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 20 kg तक आप वेट इस पर रख सकते हो। और यूजुअली जो हम कैमरा यूज़ करते हैं यूट्यूब के लिए एंड मैक्सिमम 3 kg, 4 kg तक आता है, तो इट कैन हैंडल एवरीथिंग। तो अगर आपको इसका लिंक चाहिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वैसे अगर आपको ट्रैवल ट्राइपॉड वगैरह चाहिए ना तो इसका भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। इट इज Digitech 500BH ट्राइपॉड और ये काफ़ी, जैसे इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है, ये काफ़ी स्टेबल है और एक जगह पर रख के वीडियो बनाने के लिए ये ऐसा है कि मैं कहीं पर भी कैरी कर सकता हूँ इसे। जब ये फोल्ड होता है ना लिटरली इस साइज का हो जाता है, तो ये इसके एडवांटेज है। दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपके हिसाब से चेकआउट करना। बट ये जो ट्राइपॉड है पिछले 20 डेज से इसे मैं रेगुलरली यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा आउटडोर भी मैंने ट्राई किया इसके साथ। इतना भी भारी नहीं है कि मैं उठा के नहीं जा सकता, जैसे मैंने कहा 4.4 kg टू बी प्रिसाइज, और कैरी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा वेट वगैरह उठा सकते हैं तो यू कैन ईजिली कैरी इट। एंड एनीवे मेरे को लगता है कि 6500 के अंदर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। दो तीन और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, सिंपिक्स की तरफ से भी ऑप्शन है, ई इमेज की तरफ से भी ऑप्शन है। बट एज समवन हु हैज स्टार्टेड आउट विद Digitech के ट्राइपॉड एंड स्टिल यूजिंग Digitech के ट्राइपॉड, आई कैन गारंटी की वॉट द मनी। एनीवे वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।